नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान में किया यज्ञ मंडपम का लोकार्पण। 5 स्थानों पर वेद विद्या प्रतिष्ठान खोलने की घोषणा भी की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चिंतामन रोड स्थित महर्षि सांदीपनि वैद्य विद्या प्रतिष्ठान में यज्ञशाला के लोकार्पण के बाद अनुष्ठान में शामिल हुए। पूजन पाठ करने के बाद प्रधान ने ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास सहित ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। वैदिक परंपरा अनुसार 9 कुंडली यज्ञशाला का निर्माण भी वेद विद्या महर्षि सांदीपनि में किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रधान ने कहा कि जल्द ही वेद विद्या पीठ के छात्रों को सेकेंडरी बोर्ड की मान्यता मिलेगी, इसमें उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देश के 5 स्थानों में जिसमें द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, गुवाहाटी, श्रृंगेरी में नए वेद विद्या प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी तक वेद विद्या को कोई डिग्री और सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार ने अब निर्णय लिया है, महर्षि सांदीपनि वेद विद्या को सेकेंडरी बोर्ड की मान्यता दी जाएगी, जिससे इस प्रतिष्ठान से जुड़े देश में सभी विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम से सर्टिफिकेट मिलने की व्यवस्था हो जाए। बनगर रोड पर हुई ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल महिला को जान रेफर किया गया। इंगोरिया पुलिस के अनुसार बुधवार की सुबह लाल रंग की अल्टो कार क्रमांक MP13CA4405 से ग्राम बालोदा का एक परिवार विवाह समारोह से वापस अपने गांव लौट रहा था। बनगर रोड पर ग्राम खरसोत खुर्द के पास उनकी कार ट्रैक्टर से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार में सवार भेरू सिंह पिता कौशल सिंह राजपूत 60 साल और सेवाबाई पति भगवान सिंह 45 साल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भेरू सिंह की पत्नी गोपालबाई 55 साल गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जाता है कि हादसे के बाद एम्बुलेंस और पुलिस देरी से पहुंची तो आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में पुलिस पहुंची और चक्का जाम खत्म करवाया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है, ये ट्रैक्टर लेकर खेत पर जा रहा था। इस बाबत वहां पहुंचे बनगर SDOP रविंद्र गोयल ने बताया। लगभग 8:15 के आसपास बनगर थाने पे खबर आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है, तो इंदौरिया का 100 डायल भी आ गई थी यहाँ पर, और हमने 100 डायल और हम भी पूरा फोर्स लेके बनगर का लेके आए। डेड बॉडी को दोनों कुआ करा दिया, घायल को पहले ही उज्जैन भेज चुके हैं और बाकी जांच कर कार्रवाई करेंगे। लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं गई, एक व्यक्ति जिंदा था। पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का नहीं है, वो एम्बुलेंस खराब है, ये उनका काम है, लेकिन हमने ये हमारा काम। कर्ज के चलते ग्रामीण मजदूर ने खाया सल्फास, गंभीर स्थिति को देखते हुए महितपुर से उज्जैन किया गया रेफर। महतपुर तहसील के ग्राम गुराड़िया निवासी 45 वर्षीय मदनलाल पिता रघुनाथ छुट्टी मजदूरी का कार्य करते हैं। आर्थिक तंगी के चलते लिया गया कर्ज चुकाने में असक्षम मदनलाल ने तंग आकर सल्फास की गोलियां खा ली, जिन्हें परिजन महितपुर चिकित्सालय ले गए, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उज्जैन चिकित्सालय में रेफर किया गया। घटना के संबंध में मदनलाल की पत्नी ने बताया। सर, घर जब आते हो गया तो खाली सल्फास, अब क्या करें, घर वालों को परेशान करता है, जाके दवाई खाली, हम क्या करें, घर हम तो घर पे थे। देवास गेट बस स्टैंड पर निजी बस बनती है यातायात में बाधक, पुलिस बना रही दुपहिया वाहनों के चालान, बसों पर नहीं है कोई लगाम। यह देवास गेट बस स्टैंड चौराहा, यहां यातायात पुलिस द्वारा बड़ी पुस्तैदी से दुपहिया वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 3 सवारी, नंबर प्लेट, कागजात, लाइसेंस के आधार पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। जांच अधिकारी मनीष शुक्ला का कहना है कि त्योहारों की व्यवस्था के चलते कई दिनों से वाहनों की चेकिंग नहीं की गई थी, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था, मगर यहां ये बात समझ से परे है कि देवास गेट बस स्टैंड से कई निजी बसों का संचालन नियमों से या नियमों के विरुद्ध भी होता है। देवास गेट से लेकर अस्पताल चौराहा तक ये बसें यात्रियों को बैठाने के लिए बेतरतीब कहीं भी खड़ी कर दी जाती है। बीच रोड पर देवास गेट से कोयला फाटक तक ये बसें वर्ष भर पूरी सीनाजोरी करती है, जिससे आम नागरिकों की फजीहत होती है। अब देखना यह है कि क्या यातायात पुलिस या देवास गेट थाना इस बेलगाम बसों पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं, जबकि कई बार प्रशासन द्वारा यहां से बस स्टैंड पूरी तरह हटाकर नानाखेड़ा पर संचालित करने की कार्रवाई की गई है, मगर क्षेत्रीय व्यापारियों ने हर बार इसका विरोध कर यहां से बसों का संचालन बंद नहीं होने दिया। आइए जानते हैं मौके पर कार्रवाई कर रहे जांच अधिकारी मनीष शुक्ला का क्या कहना है। इतने दिनों से चालानी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिस कारण से यातायात अव्यवस्थाएं फैल रही थी। लोग 3 लोग बैठ के चल रहे थे बाइक में, नंबर नहीं डलवा रहे थे, सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही थी। तो त्यौहार खत्म होने के कारण आज सुबह से देवास गेट चौराहे पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यतः जो असामाजिक तत्व हैं, जिनको देख के समझ में आ रहा है कि ये गड़बड़ करेंगे, जैसे नए लड़के हो गए, 3 लोग बैठ के जा रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, बुलेट से ज़्यादा आवाज़ निकाल रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई देवास गेट चौराहे पर ज़्यादा से ज़्यादा की जाए।
आज इस चौराहे की बात करें तो चालानी कार्रवाई के अलावा यहाँ पर और भी व्यवस्था है। यहीं पर आपके सामने बसें रुक रही हैं जिसको प्रशासन ने मना किया हुआ है, पर यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी घटना हो सकती है, तो आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पर बस वाले अव्यवस्थाएँ फैलाते हैं, उन पर सुबह से कार्रवाई की गई है। अभी तक हमने 5 बसों की रसीदें काट दी हैं और जैसे ही वो गलती करते हुए नजर आते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर के लताड़ के बाद सुधरी जिला चिकित्सालय की निशुल्क दवाई वितरण व्यवस्था। इंचार्ज ने कहा सभी दवाएं हैं उपलब्ध। विगत दिनों कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया, तब कई अनियमितताएं जिला चिकित्सालय में पाई गई थी। दौरे के दौरान ही मिर्गी बीमारी की दवाई लेने आई शांति नगर निवासी कांताबाई ने 3 माह से दवा न उपलब्ध होने की शिकायत कलेक्टर से कर दी थी। तब कलेक्टर द्वारा आरएमओ को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए थे। वर्तमान परिदृश्य में जिला चिकित्सालय के निःशुल्क दवाई वितरण केंद्र का संचालन सुव्यवस्थित देखा गया है। मरीज भी बिना किसी भीड़ के आसानी से दवा लेते देखे गए हैं। दवाओं का स्टॉक भी प्रचुर मात्रा में देखा गया। इस बाबत जब हमने स्टोर इंचार्ज विजय शर्मा से बात की तो उनका कहना कुछ यूं था। हाँ, जैसा ही कलेक्टर सर आए थे, कुछ मेडिसिंस नहीं थी, उनके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। जैसे हम लोग यहाँ से इंडेंट कर चुके थे और स्टोर से भी इंडेंट किया जा चुका था, बट सप्लाई में कुछ तकनीकी कारणों से रुकावट आई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें अब ठीक हो चुकी हैं और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, मरीजों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और सारी दवाइयां भी हमारे पास उपलब्ध हैं, अभी कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।